हरदोई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट में जुर्माना लगाया गया। एडीएम ने होटल व फर्म पार्टनर पर 4,00,000 रुपए व मिठाई विक्रेता पर 50,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही अन्य कई मामलों की सुनवाई पूरी कर एडीएम कोर्ट ने 11 खाद कारोबारियों पर लगभग 7,50,000 का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2019 में नगेटा रोड स्थित होटल से लिया गया पनीर का सैंपल जांच में फेल पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। वही होटल पर 2,50,000 रुपए और होटल पार्टनर अभिनय गुप्ता पर है और बता दें आपको कि 1,50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बड़े चौराहे स्थित प्रतिष्ठान से लिए गए पनीर का सैंपल अधो मानक पाए जाने पर संचालक विष्णु कुमार गुप्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और बिना लाइसेंस मुर्गा मीट की दुकान चलाने वाले रियाज अहमद समेत अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही लगाए गए जुर्माने को निर्धारित समय के अंदर जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया? विगत माहों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पर छापेमारी करके नमूना संग्रहण की कार्रवाई की थी। उसके उपरांत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आई जो अधोमानक आई, जिसके उपरांत हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किए थे और उसी का निर्णय आज आया है। इस निर्णय में 7,40,000 रुपये जुर्माना निरूपित किया गया है। विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 10 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 7,40,000 रुपये जुर्माना निरूपित किया गया है और वो समय पर नहीं जमा करते हैं तो भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। विभिन्न खाद्य पदार्थ थे जैसे पनीर हुआ अन्य खाद्य पदार्थ हुए जो कि अधोमानक आए थे और साथ ही साथ जो बिना खाद्य पंजीकरण के व्यापार कर रहे थे उन पर भी जुर्माना लगाया गया। उन पर लगभग 1,90,000 रुपये जुर्माना लगाया गया जो बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार कर रहे थे।